वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ नीलेश कुमार। जल्दी के दिन का लेक्चर 6 लेके चल रहे हैं आज हम लोग। पिछले लेक्चर में भी आइडेंटिटीज के बेस कुछ क्वेश्चन किए थे, आज भी आइडेंटिटीज के बेस कुछ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। आइडेंटिटी जो होगा आज का ये है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए क्यू प्लस बी क्यूब, ए क्यू माइनस बी क्यूब और ए क्यू प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC। इस चार आइडेंटिटीज को लेकर हम लोग चलेंगे। पिछले दो क्लास में आइडेंटिटीज का ही क्वेश्चन किए थे। यदि आप उन दोनों लेक्चर को नहीं देखे हैं तो आप पिछला दो लेक्चर यानी कि 5 और 4 जरूर देख लीजिए और मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस तरह का जो भी वीडियो मैं डालू आपके लिए तो आप वो नोटिफिकेशन मिल जाए। आशा करता हूँ कि आप घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो चलिए आज के जो कुछ लेक्चर है, मतलब आज का जो लेक्चर है उस पे बेस कुछ क्वेश्चन थे उसको हम करते हैं, ठीक है। तो एक एक आइडेंटिटीज को लेकर चलते हैं, पहले बेसिक क्वेश्चन करेंगे सबका, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा आइडेंटिटीज है उसका पहला जो क्वेश्चन है वो है, मान लीजिए कि दिया हुआ है 3x प्लस 2y माइनस z का होल स्क्वायर। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या मान सकते हैं, ए हमारा क्या है 3x है, बी क्या है 2y है और सी क्या है माइनस ऑफ z। हाँ, अब बस इस फॉर्मूले में हमको पुट कर देना है। फॉर्मूला क्या है हमारा, ए स्क्वायर मतलब 3x का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 2y का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस जेड का होल स्क्वायर, ये जेड है टू नहीं है, ठीक ना, ये जेड प्लस 2AB, 2 गुना ए 3x, बी मतलब 2y, प्लस 2BC, 2 गुना बी 2y और सी क्या है माइनस ऑफ जेड, प्लस 2CA, सी क्या है माइनस ऑफ जेड और गुना 3x। इसको तोड़िए क्या आएगा, 9x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। अब देखिए माइनस में इवन पावर रहता है तो पता है कि वो प्लस हो जाता है, फिर क्या हो जाएगा प्लस ऑफ जेड स्क्वायर, ये 3 प्लस 6 प्लस 12 सॉरी 12 6xy प्लस 4 माइनस 4yz, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एक माइनस है यहाँ पे तो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6xz। ये आपका हो गया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर टूट के इसका, ठीक है। तो आप जब भी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, ए बी सी प्लस रहे माइनस रहे, आप c को क्या कर दिए थे माइनस ऑफ z ले लिए थे, तो आप प्लस के जगह क्या किए थे माइनस पुट कर दिए थे अपना, वो अपने आप साइन चेंज हो जाएगा उसका, ठीक है, उससे कोई इशू नहीं है आपको। तो ए बी सी ऐसे लिख के उसको हम क्या करेंगे कंप्लीट होल स्क्वायर में तोड़ देंगे, ठीक है। चलिए आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी का, ये जो बार बार मैं बताता हूँ कि कंडीशनिंग क्वेश्चन पूछता है कि इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 250 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 3, फाइंड ए प्लस बी प्लस सी। ये फाइंड करना है आपको, ठीक। देखिए ए प्लस बी प्लस सी फाइंड करना है मतलब क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर करना पड़ेगा, और होल स्क्वायर इसलिए भी हम कर लेंगे क्योंकि देखिए हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहाँ पे आता है, ये हमको नोन है, और ए बी बी सी प्लस सी ए आता है, ए बी हमको नोन है, तो सब में से टू कॉमन ले लेंगे ना, टू कॉमन ले लेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी आ जाएगा। तो चलिए इसका होल स्क्वायर करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, टू कॉमन ले लेते हैं पूरे में से क्योंकि सब में है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये क्या है 250 है इतना, प्लस टू गुना ये कितना है 3, तो कितना आ जाएगा आपका 256। ये ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, चाहिए क्या ए प्लस बी प्लस सी चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी क्या आ जाएगा, अंडर रूट लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट का, तो किसका स्क्वायर रूट होता है 56 का होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपन कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन को आप ऐसे लेके आगे चल सकते हैं। चलिए अगले आइडेंटिटीज का क्वेश्चन को देखते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं, आप चाहिए तो क्वेश्चन बना भी सकते हैं बार बार मैं कहता हूं ताकि आपको मतलब कोई कंफ्यूजन हो तो आप बाद में देख सकते हैं, वीडियो को बार बार देखिए कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है तो साफ कर देते हैं ना, दिखेगा नहीं साफ सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम होमवर्क पे दे देते हैं, है ना, जो आप घर पे बनाइएगा इस वाले आइडेंटिटी, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर
प्लस 4xy माइनस 10yz माइनस 20zx व्हेन x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 3 एंड z इज इक्वल टू 2। देखिए इसको बनाएंगे कैसे, बताया था ये z है, ठीक है। इसको करना है, इसको ध्यान से देखिए, तो ये a स्क्वायर क्योंकि 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये b स्क्वायर y का स्क्वायर हो जाएगा, और ये c स्क्वायर 5z का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब ये a हो गया 2x, b हो गया y और c हो गया आपका 5z। उसके 2ab 2bc 2c अगर फिर देख लीजिए क्या आ रहा है कि नहीं आंसर आ रहा है, ठीक है। अब देखिए माइनस में है तो इसका मतलब है कोई ना कोई इसमें माइनस में होगा, या तो y या तो z, ठीक ना। तब ना ये दोनों माइनस आएगा कि तो सॉरी y होगा या x होगा, कि x माइनस में आएगा तभी ये जाके आपको क्या हो पाएगा, माइनस हो पाएगा। तो यहाँ पे ए बी सी आपको मिल गया है, तो अपना ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा, उसका जो इसका जो वैल्यू बता के देखिए क्या था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करना है घर पे। अब नेक्स्ट आइडेंटिटीज पे आते हैं, जो हमारा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। उसके आधार पर जो पहला क्वेश्चन है वो है, मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है 7a माइनस 5b 49a स्क्वायर प्लस 35ab प्लस 25b स्क्वायर। हाँ, अब देखिए a माइनस बी कहाँ आता है, इस वाले पे आता है। हाँ, और देखिए अंदर ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर दिया, मतलब क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, क्योंकि 7 का a का स्क्वायर क्या होता है 49 a स्क्वायर होगा, मतलब ये आपका क्या है a है, और 5b का स्क्वायर क्या होगा 25, मतलब ये क्या है आपका b है। ये a माइनस बी हो गया, ये क्या है a स्क्वायर हो गया, ये कितना हो जाएगा, देखिए 7 गुना 5 35 होता है, और ए बी कितना हो जाएगा ए बी, तो ये क्या है आपका a गुना b है, और ये क्या है आपका b स्क्वायर है। मतलब कि ये आपके किसमें टूटेगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब वाले आइडेंटिटीज में। ये हमारे पास नोन है क्या है, 7a का होल क्यूब माइनस 5b का होल क्यूब। आप फिर बोलिए 7a क्या होता है, 243a क्यूब माइनस 125b क्यूब। सीधे आगे एक स्टेप में कार्य करो, ठीक है। तो इस तरह का आप क्वेश्चन को आराम से ऐसे बना सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देते हैं, सेवन एक्स क्यूब प्लस 8y क्यूब माइनस 4x प्लस 3y 16x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9y स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ए ये तो ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, इसको बाद में अपना करते रहेंगे जो करना है। पहले इसको देखिए, ये आपका a प्लस बी और a स्क्वायर किस में आता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में आता है, इसको a मान लेते हैं, उसको क्या मान लेते हैं b, क्योंकि ये फिर क्या हो जाएगा a का स्क्वायर, हाँ, फिर माइनस ए क्या हो जाएगा 4 3 12 माइनस एक्स वाई मतलब ए बी, और ये क्या हो गया आपका बी स्क्वायर हो गया। मतलब ये आपके किस फॉर्म में है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में है। तो चलिए इसको लिखते हैं, ये 7x का क्यूब रहेगा, ये 8y का क्यूब रहेगा, ये माइनस क्या हो जाएगा 4x का होल क्यूब प्लस 3y का होल क्यूब, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्म में है। अब इसको आगे ले चलते हैं, यहाँ पे देखिए ये आपका कितना हो जाएगा 7x क्यूब, क्योंकि होल क्यूब नहीं है, प्लस 8y क्यूब माइनस ये कितना हो जाएगा, देखिए आपका 64x क्यूब प्लस 27y क्यूब। अब इसको प्लस माइनस कर दीजिए, आपका x क्यूब को x के साथ 7 में से x जाएगा, कितना आएगा ये 64 में से जाएगा, तो आपका हो जाएगा 57 माइनस ऑफ 57x क्यूब, अब प्लस ये कितना हो जाएगा 35y क्यूब, लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ जोड़ दिए, हां तो ये आपका हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको ए और बी पहले डिसाइड कर लेना है, पहले ये डिसाइड कर लेना है आपको कि वो किस फॉर्म में आएगा। इसके लिए आपको ये देखिए आइडेंटिटीज याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, इसको मिटाते हैं हम। जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क ले दिया था उसको आप लिख के जरूर बनाइए, घर पर ट्राई कीजिए कैसे बनेगा, और नहीं बनेगा तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइएगा ताकि मैं आपको उसको बना के दिखा सकूं। इसी बेस एक और क्वेश्चन देख लेते हैं कंडीशनिंग वाला, कि इफ ए प्लस बी इक्वल टू 7 एंड ए बी इक्वल टू 12 फाइंड द
वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर। ठीक, इसका वैल्यू निकालना है तो करेंगे क्या, देखिए ए स्क्वायर माइनस ए बी ऑफ, और ये निकालना है मतलब हमको इस आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इस आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करने के लिए ए बी हमको नोन है तो काम करते हैं ए प्लस बी का होल क्यूब लिख देते हैं। ठीक, ए प्लस बी का होल क्यूब जब लिखेंगे, सॉरी लिखते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि होल क्यूब करने के अलावा कोई उपाय है नहीं हमारे पास। ये क्या आएगा हमारा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। तो यहां से ऐसा करते हैं, इसी वाले फॉर्मूले को लिखते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए ए प्लस बी हमारे पास कितना है, सेवन है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता नहीं है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ट्वेल्व, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इसको अभी ऐसे ही रहने दीजिए, है ना। अब क्या करते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब करते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। हाँ, तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब इसका मतलब यहाँ पे कॉमन ले लेते, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए कॉमन ले लेते, थ्री ए बी कॉमन ले लेते हैं, थ्री ए बी, यहाँ क्या बचेगा ए प्लस बी। हाँ, तो ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए बी क्या है हमारे पास ट्वेल्व और बी क्या है हमारे पास सेवन। ठीक है, तो इसको पहले इक्वेशन वन में लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे कॉमन ले लिए ए बी, ए प्लस बी बच गया, यहाँ ट्वेल्व है ये सेवन है, तो और इसका कितना है क्यूब हो जाएगा, सेवन का क्यूब हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा सेवन का क्यूब, ये कितना हो जाएगा 243 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस बरसाते 84 और 12 और 52। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, 243 माइनस 252 करेंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ घटा के देख लीजिए 10 आ जाएगा माइनस 10, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना आ गया हमारे पास माइनस 10 आ गया। अभी के आराम से हम यहाँ निकाल सकते हैं इस वाले इक्वेशन से, इस वाले इक्वेशन में ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू डाल दीजिए माइनस में इस वाले में। ठीक है, चलिए ये स्टेप छोड़ दीजिए, इसको करने का आपको कोई जरूरत नहीं है, इसके बिना भी आ जाएगा आपके पास आंसर। ठीक है, ये हो गया माइनस 10, ए प्लस बी हमारे पास कितना है 7 है, और निकालना क्या है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो क्या आएगा माइनस 7 बाय 10 बाय 7 इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, याद तो हो गया ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या किए, देखिए सबसे हमको चाहिए था ये, तो ये चाहिए था, तो हम क्या होल क्यूब पहले किए, होल क्यूब जब किए तब पाया गया कि ए बी और ए प्लस बी हमारे पास नोन है, तो यहाँ पे पुट करके हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकाल लिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकाल लिए तो यहाँ पे पुट कर दिए, यहाँ पे ए प्लस बी नोन था और ए स्क्वायर माइनस ए बी हम निकाल लिए। ठीक है, तो इस तरह से आप इस सब क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आर्ट्स के आधार पर मैं दे देता हूँ आपको होमवर्क के लिए, क्वेश्चन ये है कि इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 10 एंड ए बी इज इक्वल टू 21 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यू प्लस बी क्यू, ये निकालना है, ए क्यू प्लस बी क्यू निकाला है सीधे उन्होंने, यहाँ पे हम पुट करके निकाल लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमको इस फॉर्मूला का ही इस्तेमाल करके आगे प्रोसीड करना पड़ेगा, ये आपका होमवर्क है, इसको घर पे आप कीजिएगा। नेक्स्ट इस आइडेंटिटी को एक बार फटाक से देख लेते हैं, इसके लिए क्वेश्चन ये है, देखिए इसमें एक कंडीशन भी होता है, उसको ध्यान से समझिएगा, उस कंडीशन के बेस पर मैं क्वेश्चन बता देता हूं। कंडीशन ये है इस वाले के लिए, ये वाले के लिए कि इफ ए प्लस बी प्लस सी यदि जीरो हो जाता है, ये जीरो हो जाएगा तो पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हाँ, सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc हो जाएगा सीधे, यदि a प्लस बी प्लस सी का सम जीरो हो जाता है तो क्या हो जाएगा आपका, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। जैसे एक क्वेश्चन देखिए,
कि 30 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब माइनस 50 का क्यूब है। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, इसको जोड़िए तो क्या पाइएगा कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो आ जाएगा इस कंडीशन में। इस प्लस 50 माइनस 50 जीरो, तो सीधे हम क्या लिख देंगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या है, सीधे 3 गुना ए मतलब 30 गुना बी और गुना सी 50, या फिर गुना का आंसर जो आएगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पे आंसर। मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सॉरी ए प्लस बी प्लस सी यदि जीरो हो जाता है तो हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब सीधे क्या लिख सकते हैं, 3abc लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी तरह से एक क्वेश्चन देते हैं, आप डॉट में बनाइएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा इसमें। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब होल डिवाइडेड बाय ए माइनस बी का होल क्यूब बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब। इसको भी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू दिया हुआ है, इसमें देखिए कि ए प्लस बी प्लस सी जो है आपका जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आ रहा होगा तो बिल्कुल इसी तरह से प्रोसीड किया है यहाँ पे हम किए हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, आगे क्लास में और कंटिन्यू करेंगे कुछ क्वेश्चन होगा तो। तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, थैंक यू।